अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सोरी किचन। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने लगी हूँ आलू पालक। उसके लिए पालक मैंने ली है 2 किलो, उसे ग्राइंड करके रख लिया है। 1 किलो आलू लिए हैं, उसे कटिंग करके रख लिया है, मोटे मोटे कटिंग किए मैंने। प्याज मैंने 2 लिए हैं, उसे चॉप करके रख लिया है। 2 टमाटर लिए हैं, उसे भी कटिंग कर लिया है। और 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 2 चम्मच नमक, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच साबुत जीरा, सॉरी गरम मसाला, और लाल मिर्च कुटी हुई 1 चम्मच, चंद दाने काली मिर्च के, कुछ सबद मिर्च कटिंग कर ली है और कुछ लंबी ही मैंने साफ कर ली है, और 1 प्याली ली है ऑयल। अब हम इसको बनाते हैं। जी फ्रेंड्स, चूल्हा मैंने ऑन कर लिया है। अब मैं इसमें ऑयल डालती हूँ। जैसे ही ऑयल गर्म होगा तो मैं प्याज डाल दूँगी और प्याज को हल्का ब्राउन करते हैं। जी फ्रेंड्स, ऑयल गर्म हो चुका है, मैं इसमें प्याज डालूँगी और उसको हल्का ब्राउन करूँगी। जी फ्रेंड्स, प्याज जो है वो लाइट ब्राउन हो चुके हैं। अब मैं इसमें टमाटर ऐड करती हूँ और इसको थोड़ी भूनती हूँ। जी फ्रेंड्स, प्याज और टमाटर अच्छी तरह मिक्स हो चुके हैं। अब मैं इसके अंदर अपनी हल्दी ऐड करूँगी। हल्दी को भूनेंगे, ये साथ साथ डालते जाएंगे, साथ साथ भूनते जाएंगे। इसके साथ ही मैं नमक ऐड कर दूँगी और हल्का सा पानी का छट्टा लगाऊँगी ताकि ये अच्छी तरह यकजा हो जाए। फिर इसके अंदर हम अपने आलू ऐड करेंगे। पानी डाल दिया मैंने, इतना ही पानी काफ़ी। मसाला जो है वो अच्छी तरह भुन चुका है और इसकी बड़ी मज़ेदार खुशबू आ रही है। अब मैं इसके अंदर अपने आलू ऐड करूँगी। आलू को 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह भून लूँगी। आलू मैंने इसमें डाल दिए, मिक्स कर दिए। अब मैं 3 से 4 मिनट के लिए ढक्कन देके रखूँगी और उसके बाद बाकी सारे मसाले इसमें ऐड करूँगी। जी फ्रेंड्स, आलू तकरीबन हमारे तैयार हो चुके हैं। अब मैं इसके अंदर सबज मिर्च जो मैंने कटिंग करके रखी थी वो डालूंगी, जीरा, साबुत जीरा जो मैंने रखा था, लाल मिर्च कुटी हुई और काली मिर्च की चंद दाने, इनको अच्छी तरह मिक्स कर दूंगी। बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही है, बहुत दूर तक भी ये खुशबू जा रही है। अब हम 1-2 मिनट के लिए इसको भूनेंगे और उसके बाद मैं इसके अंदर पानी ऐड कर दूँगी। जी फ्रेंड्स, आलू तकरीबन हमारे गल चुके हैं। अब मैं इसके अंदर अपना पानी ऐड करूँगी। पालक को अच्छी तरह मिक्स करते हैं इसमें और इसको मैं 5 से 7 मिनट तक अच्छी तरह पकाऊँगी और हमारी आज की रेसिपी वो रेडी। जी फ्रेंड्स, आलू पालक हमारा तैयार हो रहा है। इसमें मैं आपको एक मेरा जो इंग्रेडिएंट है वो मुझसे मिस हो गया। इसमें 1 प्याली मैं दूध डालूंगी, इससे पालक का जायका बहुत ही अच्छा आता है। और एक मैं आपको पालक पकाने की टिप देती हूँ, जब आप पालक को बॉईल करते हैं तो उसमें 1/2 चम्मच आप हल्दी डाल दिया करें, उससे जो पालक की एक खास खुशबू होती है, स्मेल होती है ना, वो ख़त्म हो जाएगी और आपकी जो पालक है वो बहुत ही मज़ेदार बनेगी। जी फ्रेंड्स, हमारा आलू पालक का सालन जो है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब मैं इसके अंदर जो मैंने मिर्च को साफ करके रखा था 3 पीस वो डालती हूँ और गर्म मसाला ऐड करती हूँ और इसको डिश आउट करती हूँ। इसको मैं मिक्स कर रही हूँ। जी फ्रेंड्स, ये मैंने डिश आउट कर दिया है इसको और बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। मेरे आने वाले तमाम नए फ्रेंड्स से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और इसको ट्राई ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।